पहले तो हम ये बात करेंगे कि ज्वालामुखी होता क्या है। तो देखो, ज्वालामुखी जो है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ज्वाला और मुखी मतलब एक ऐसा मुख जिससे कि ज्वाला निकल रहा हो, मतलब कि आग निकल रहा हो। तो ज्वालामुखी जो होता है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, जिसमें एक छोटा सा छिद्र होता है, उस छिद्र से पिघला हुआ पदार्थ यानी कि मैग्मा इसके अंदर से बाहर आता है। अब तुम्हें भी पता है कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत होता है उसे भूपर पट्टी या फिर क्रस्ट कहते हैं, और उसके नीचे का जो लेयर होता है वो मैंटल होता है, जो कि पिघली हुई अवस्था में रहता है, और मैग्मा यहीं से बाहर आता है। तो देखो, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा अंदर से बाहर आता है, साथ ही साथ इसके साथ बहुत सारे गैसेस बाहर निकलती हैं, और जब ज्वालामुखी विस्फोट रुक जाता है तब जो लावा बाहर निकला है वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद अपने आसपास के क्षेत्रों में एक मोटी परत बना देता है पत्थर की। देखो, इतना जानने के बाद ये भी अब जरूरी हो जाता है कि ये जो ज्वालामुखी फटते हैं, ठीक है फटता है, लेकिन अंदर ऐसा होता क्या है कि ये ज्वालामुखी फट जाते हैं। तो सुनो, पृथ्वी जो है उसके ऊपर के जो परतें हैं, जो क्रस्ट है, उसके दबाव से नीचे जो है प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ पृथ्वी के अंदर यानी कि जो मेंटल वाला लेयर है उसमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, जो कि आपको शायद अभी पता हो भी सकता है या फिर नहीं भी होगा। तो वो क्या होते हैं, वो अच्छा मतलब कि हमेशा टूटते रहते हैं, टूटते हैं तो उसमें काफ़ी हीट निकलता है, मतलब कि ताप यानी कि गर्मी निकलता है। तो ये जो गर्मी अंदर निकलता है तो ताप क्या हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। तो जो चट्टाने होती है वो गर्म होकर फैलने लगती है, फैलने के साथ साथ वो पिघलने भी लगती है। तो ज्वालामुखी जो फटता है उससे ये जितने भी चीज़ें अंदर पिघली हुई हैं वो बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। मतलब जो भी ऊपर का परत है जहाँ पे पतला पड़ जाता है वहाँ पे वो तोड़कर बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। और जब ये बाहर निकलता है तो इसमें जो गैसेस होती हैं वो कितना होता है, तो सुनो, उसमें लगभग 80 से 90% जो होता है वो जल वाष्प होता है, मतलब वाटर वेपर होता है। साथ ही साथ अन्य गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये सब सारा कुछ निकलता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर समझ आई है तो मुझे आप बता सकते हो कि अगला पार्ट नेचुरल डिजास्टर जो है हम पढ़ रहे थे उसका अगला पार्ट आपको कौन सा चाहिए।